गणेशाय नमः। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीमा पेजवानी व्लॉग्स। तो गाइस, आज है यहाँ पे हमारा डे टू। तो यहाँ पे हम 1.5 डे के लिए ही आए थे। हाफ डे मतलब हम नून तक ही हैं यहाँ पे, 11:30 बजे तक। उसके बाद हम कहीं पे जाने वाले हैं, तो वो सरप्राइजिंग व्लॉग है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, तो वो व्लॉग देखिएगा इसके साथ ही। तो गाइस, अभी ये देख सकते हो, पूरा बैक साइड गंगा मैया का व्यू है, आप देख सकते हो। तो अभी है ना, हम लोग जा रहे हैं गंगा मैया पे। रेडी हो चुकी हूँ मैं, तो अभी गंगा मैया पे जाएंगे, नहाएंगे, फिर रेडी वेडी होंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत खाना वाना खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे मतलब गंगा मैया का इतना मज़ा है ना, सच में एक बार बोल दो जय गंगे मैया की, जय हो हमारी गंगे माता की। तो गाइज, यहाँ जैसी चीज़ पूरे दुनिया में नहीं है, लिटरली यहाँ पे इतना मज़ा है। मॉर्निंग होते ही इतनी सारी भीड़ है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो गाइज ये देखो, आप देख सकते हो इतनी सारी भीड़ है सुबह होती, सच में गंगा मैया जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। लंदन घूम लो, अमेरिका घूम लो, पर गंगा नहीं घूमे क्या किया। ये गंगा मैया और ये हमारी शिरडी। तो गाइज, ये मेरी मॉम देखिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, थैंक यू बोल रही मैया। अच्छा, तो अभी है ना हम लोग जा रहे हैं गंगा मैया पे नहाने, फिर कुछ खाएंगे, शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत, फिर निकलेंगे। और आगे वाला व्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और क्या बताऊँ आपको, एक बार ज़रूर आना यहाँ, अगर नहीं आए हो ना गंगा पर तो एक बार ज़रूर आना, और हम तो बार बार आते रहेंगे। क्या बोल रही हो आप? मैया बुलाती हैं तो हम आते हैं, हमारी याद आती है तो हम आते हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, वही बुलाएंगे तो आप आओगे। हाँ, वो बुलाएंगे तो ही हम आएंगे, ऐसे मतलब गंगा मैया हमें बुलाती है तो फिर हम आते हैं और खुशी खुशी आएंगे हमेशा। ये देख सकते हो व्यू, तो रूम लेके ना ज़बरदस्त मज़ा आ गया है बहुत यहाँ से। मतलब कल रात को भी हम लोग बैठे थे ना, इतना मज़ा आ रहा था मतलब। और गंगा मैया का पानी देखो आप, ज़बरदस्त। तो ये देखो, हम तीनों हमारे तरफ से हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, जय गंगा मैया की। आ चुके हैं अभी घाट पे, ये देखो घाट पे आ चुके हैं, अभी नहाते हैं जल्दी जल्दी। गाइस, आप देख सकते हो कल यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बारिश का क्लाइमेट था, और आज जबरदस्ती धूप निकली हुई है जय सूर्य नारायण की। तो बहुत ज़्यादा मज़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ व्यू, ये देखिए। तो गाइस, बहुत ज़बरदस्त सा ठंडा पानी है, और हमेशा गंगा का पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है, बहुत 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 ज़्यादा ठंडा है आज गंगा का पानी। मेन को अंदर जाने में पूरी बॉडी कांप जाती है, इतना ठंडा पानी होता है, एकदम फ्रिज जैसा पानी होता है। तो गाइस, बहुत बहुत ठंडा पानी है, आप देख सकते हो, मुझे अंदर जाने में कुछ टाइम लग जाता है, और जब आप एक बार डुबकी लगा देते हो ना, फिर कोई टेंशन नहीं। और लास्ट ईयर जो पानी था वो बहुत ज़्यादा क्लीन पानी था, इस बार का पानी जो है थोड़ा क्ले टाइप का है, और लास्ट जो हम गए थे ना लास्ट टाइम, तो पानी बहुत ज़्यादा क्लीन था, एकदम प्योर ब्लू टाइप का वाइट पानी था। और इस बार थोड़ा पानी आप देख सकते हो, ये
तो गाइज आप देख सकते हो और सुन सकते हो सिंधी रॉक्स हैं, यहाँ भी सिंधी रॉकिंग हो रहे हैं। तो ये देख सकते हो सारे भजन कीर्तन कर रहे हैं और गंगा का पानी बहुत ज़बरदस्त सा है, आप देख सकते हो। ये देखो पापा को भी फ़ोटो और वीडियो निकलवाना है, वो बोल रहे हैं मेरा फ़ोटो वीडियो निकालो। तो जो मेरे साथ घूमते हैं ना उनको भी फ़ोटो वीडियो का बहुत नशा हो जाता है कि हम भी फ़ोटो निकाले वीडियो निकाले, तो बहुत ज़्यादा मज़ा है। और एक बार अगर आप गंगा आते हो और पहले जाने में आपको पानी में बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, डर लगेगा, पर फिर जब आप जाते हो ना एक बार फिर तो मज़ा ही आ जाता है। बहुत बहुत डुबकियाँ लगा लगा के मैं तो थकती ही नहीं हूँ, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। तो गंगा मैया एक बहुत ज़्यादा पवित्र चीज़ है और एक गंगा का पानी है जो आप कितना भी टाइम स्टोर कर लोगे ना पर वो ख़राब नहीं होता। तो जय गंगा मैया की, सबको खुश रखे गंगा माँ। और ये हमारे भोले बाबा हैं, आप देख सकते हो हम अपने भोले बाबा को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ भी हम पहले भोले बाबा की भी पूजा कर लेंगे। तो गाइस अभी नहा लिए हैं और अभी कपड़े चेंज करेंगे, रेडी वेडी होंगे, फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। थोड़ी देर मार्केट जाने के बाद फिर हमारी टैक्सी आ जाएगी, फिर टैक्सी में जाएंगे घूमे घूमी। तो फिर ब्लॉग पूरा देखना। तो गाइज ये है हमारी गंगे माँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये हमारी गंगा माता है और ये जो आप बैक साइड से व्यू देख रहे हो ये पूरा गंगा माँ का जो मंदिर है वहाँ से सेंटर से ये व्यू है हमारी गंगे माँ को भी जय माँ गंगे बोल दीजिए। ये हमारे छोटू सा कानू जो हमारा न्यू मम्मी के घर का फैमिली मेम्बर है, तो हमने आज कानू लिया है जिसको हम अपने साथ ही घुमाएंगे और साथ ही ले जाएंगे। बताना कैसा है हमारा कानू। ये देखो मैं और कानू जी और पापा, हम तीनों बैठे हैं और मम्मी आ रही है। ये हमारे छोटे कानू जी मस्त मस्त है ना, मस्त है ना पापा ने लिए है ये। हाँ नंदलाला, ये है माँ अम्बे, उनके दर्शन कर लीजिए। और माँ काली के आज है फर्स्ट नवरात्रि, तो सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लेंगे। और अभी हम आ चुके हैं मार्केट क्योंकि अभी हमें जाना है टैक्सी में दिल्ली, तो देर हो रही है, मार्केट का काम ख़त्म करेंगे। ये हैं भैरव बाबा और ये हैं वह गंगा मैया, मॉम डैड भी दर्शन करने आए हैं। तो गाइस अभी हम लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। आप मेरी हालत देख रहे हो, नहीं छोटी बनाई रहे क्या, बहुत ज़्यादा पहले लेट हो गए। तो गाइज़ ये हैं कानू जी, सबसे पहले अभी हम कानू जी को गुलाब जामुन खिलाएंगे, मुंह मीठा करवाएंगे क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम मुंह मीठा करवा लेंगे। और पंडित जी ने कहा है कि इन्हें अपने साथ साथ ही घुमाना है हमें और अपने घर के मेंबर की तरह रखना है। और पापा भी खा रहेंगे और अभी मैं भी नाश्ता वगैरह खा लेती हूँ। अगेन एक बार व्यू देख लो, फिर हम जा रहे हैं यहाँ से, फिर वही वापस जल्दी गंगा माँ हमें बुलाएं, हम प्रे करते हैं फिर जल्दी से आएंगे और हर साल सुख में ही आएंगे। तो गंगा माँ आप आशीर्वाद कीजिएगा, हम हमेशा आपके पास सुख में आए। तो गाइज हमेशा हम खुशी में ही आते रहें। तो गाइज ये है बहुत अमेजिंग सा ज़बरदस्त सा व्यू, आप देख सकते हो। सच में गाइज बार बार दिल कर रहा है कि मैं बालकनी में से ही ये व्यू देखूं। तो बहुत ज़बरदस्त गंगा मैया हैं, हर हर गंगे। हम अच्छे से गंगा जी घूम कर आए। खड़ी आगे मेरे पापा की रिक्शा जा रही है, हमारी रिक्शा यहाँ पे क्या करें। ये हमारे पार्किंग का बहुत ही बिल बड़ा रिक्शा चल रहा है। गाइस अभी हम रुके हैं शिवा ढाबा पे, तो यहाँ पे अभी कुछ काम हो गया और अभी हम जा रहे हैं बहुत जबरदस्ती जगह पर, इसके लिए आप हमारे साथ बन रहे हैं। तो गाइज अभी हम पी लेंगे कोकोनट वाटर, और हमें पूरे दिन में एक बार जूस या कोकोनट वाटर पीना चाहिए, हम पीते हैं। वो हमारी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो आप भी गाइज एक बार पूरे दिन में पी लिया कीजिए। और हमारे छोटू कानू आपने देखे, हमने उनके लिए बास्केट ली है। और अभी हैं हम ऑन दी वे दिल्ली जाने के लिए। तो सारा पूरा व्लॉग देखना, सारे व्लॉग्स अगर नहीं देखे हो तो एक बार चेकआउट करना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइज इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो प्लीज़ गाइज आप रास्ता देख सकते हो, ये है दिल्ली का रास्ता। गाइज अभी मैं फाइनली आ चुकी हूँ सरोजनी नगर में, मतलब ये मेरी ड्रीम मार्केट है। लोगों को दुबई, लंदन, पेरिस घूमना पसंद था और मुझे सच बताऊँ सरोजनी नगर पसंद है। तो सबसे स्टार्टिंग में हम सरोजनी नगर में माता रानी गए, ये देख लो। तो सबसे पहले माँ काली का दर्शन करते हैं। तो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ सरोजनी नगर, ये आप देख सकते हो पूरी मार्केट है। और अभी का जो ब्लॉग है वो आगे होगा एयरपोर्ट से, तो सरोजनी के लिए मैं एक अलग ब्लॉग स्पेशल बनाने वाली हूँ।
तो गाइज़ अभी आप देख सकते हो मैं एयरपोर्ट पे आके पैकिंग कर रहे हैं और ये पूरा व्लॉग देख लीजिएगा, मैं अलग से अपलोड करूँगी। और ये इतनी सारी चीज़ें ले ली है, पूरा न्यू बैग परचेस करना पड़ रहा है। तो ये ऑरेंज वाला बैग हमने सरोजनी में से परचेस किया है, बहुत ज़्यादा सामान हो चुका था। और हम एयरपोर्ट के इनसाइड आ चुके हैं, ये है दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह हैं बहुत अच्छी अच्छी सी। आप देख सकते हो ये सारी खाने पीने की चीज़ें मिल रही है। और लिटरली मुझे इतना लेट हो गया कि मुझे भी एयरपोर्ट पे खाना पड़ेगा। सरोजनी नगर से तो कुछ खाया ही नहीं, बहुत देर हो रही थी मुझे शॉपिंग में और मेरी शॉपिंग भी काफ़ी सारी रह चुकी है। फाइनली एट दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गाइस सरोजनी नगर का जो व्लॉग है ना वो अलग से दिखाने की सोच रही हूँ मैं, तो देखते हैं। और सरोजनी नगर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी ना यार, लिटरली दिमाग ख़राब हो गया और टाइम बहुत कम पड़ गया सच में। मतलब और ज़्यादा टाइम होता तो और बहुत सारी शॉपिंग हो जाती, बट लिटरली एक बहुत बड़ा बैग लिया है जो कि स्पेशली भर चुका है। तो गाइस अभी लगी है बहुत सारी भूख और अभी कर रहे हैं हम फूड का वेट। तो अभी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पूरा फूड काउंटर है। तो मॉम वहाँ से लेने गई है जहाँ लिखा हुआ है प्योर वेज। तो गाइज़ अभी हमारा फूड आ चुका है और मम्मी का आना बाकी है, क्योंकि मम्मी का फास्ट है तो मम्मी ने फास्ट वाला मंगवाया है। और हमारा ये रॉयल मील आ चुका है, तो अभी हम रॉयल मील कर देंगे। अभी मैं थोड़ा खा लूँगी फिर आपसे मिलूँगी। तो गाइज़ अभी पी लूँगी पेप्सी और मील भी अभी बाकी है, खा रहे हैं अभी। और हम कह रहे सरोजनी, तो सरोजनी नगर जो था ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा मार्केट था। मतलब ऐसे भी लग रहा है कि जो मैंने सोचा था ना ऐसे कि बहुत बड़ा घूमूंगी, पर अभी भी थोड़ा कम घूम लिया है। है ना पापा, ये देखो पापा को मैंने परेशान किया, हंस रहे ये मेरे से परेशान हो गए थे, बार बार मैं भाग जा रही थी। और ज़बरदस्त मार्केट था यार, और जो लोग बोले बहुत सस्ता है, कहा कोई सस्ता वस्ता नहीं था इतना चलेगा, पर अभी उसकी वजह से हमको यहाँ पर मतलब कॉस्टली वाला खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से हमने टिक्कियाँ विक्कियाँ पकौड़ियाँ नहीं खाई थी मैंने भूख पे यहाँ पर आ गए। चलेगा कोई बात नहीं, वैसे एयरपोर्ट पे खा लेते हम। पर सरोजनी नगर में अगर खाते तो वहाँ पे अलग अलग चाट वगैरह मिल रहे थे, तो कोई बात नहीं। पहले ही बहुत देर हो गई थी, टैक्सी वाले भैया को पहुँचाना था एयरपोर्ट तक हमें। तो गाइस अभी हम एयरपोर्ट के इनसाइड पहुँच चुके हैं, ये है फ्लाइट, आ चुके हैं हम फ्लाइट में। तो गाइस आज भी मैंने अपने लिए विंडो सीट ही लिया है और मैं विंडो सीट पे ही बैठती हूँ। तो अभी हम प्लेन के इनसाइड आ चुके हैं, तो ये देख सकते हो आप प्लेन का व्यू बहुत ज़बरदस्त था। तो इस बार हमारे दोनों टाइम फ्लाइट रात की थी, तो आपको नाइट व्यू देखना ही मिलेगा। और ये आ चुके हैं हम एयरपोर्ट, तो फाइनली मैं अहमदाबाद पहुँच चुकी हूँ, आप अहमदाबाद। तो देखो हमारी बैग्स भी आ चुकी हैं, फाइनली हम अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। गाइस अभी हम शंबूज में से पी लेंगे कॉफ़ी, तो अभी जा रहे हैं हम अपने घर। हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये देखो। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस अभी आई हूँ मॉम के घर, कल रात को हम आए थे घर और बहुत लेट हो गया था। ये विशाल बीच बीच में बोल बोल कर रहा है यार। तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी हरिद्वार की ट्रिप जरूर बताइएगा, और हम जो सरोजनी नगर गए हैं उसका व्लॉग भी आप जरूर देखिएगा। तो सरोजनी नगर वाला व्लॉग मैंने बनाया है, पर जरूर देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट था, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आ गया सच में, टाइम एकदम कम पड़ गया। पर इतनी सारी शॉपिंग करके आए हैं, ये न्यू बैग लिया है और ये न्यू बैग नहीं पूरी शॉपिंग, तो इसका एक व्लॉग मैं अभी अलग से डाल रही हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप वो व्लॉग भी चेकआउट करना, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो गाइस बहुत सारा मज़ा आया हरिद्वार में भी, सरोजनी नगर में भी। और हमारा मतलब लिटरली ये ना डिसाइड अचानक से हुआ था, उसी दिन टिकट्स निकली और हम उसी दिन गए। मतलब बहुत ज़बरदस्त सा मज़ा आ गया, मतलब इतनी सारी चीज़ें खरीदी और टाइम कम पड़ गया। और सरोजनी का जो व्लॉग है ना वो भी मैंने सोचा था मैं बहुत बड़ा व्लॉग बनाऊंगी, पर इतना बड़ा मैंने नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला था। ये मम्मी है ना इसकी वजह से बहुत लेट लेट कर रही थी, मम्मी हरिद्वार में ही बैठ गई थी, दिल्ली निकलने के लिए लेट कर दी थी। चलेगा कोई बात नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो इसके बाद वाला व्लॉग है वो ज़रूर देखना, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो
कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखना, और सरोजनी वाला ब्लॉग भी जल्दी से वो भी देखना, और हमने जो मम्मी मेरे लिए लिंकिंग से बॉम्बे से शॉपिंग करके आई थी वो भी ब्लॉग देखना। तो अभी धड़ाधड़ मस्त मस्त ब्लॉग आने वाले हैं। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर देखते हैं न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में, और आज के लिए इतना ही। तो ब्लॉग्स कंटिन्यू देखिएगा, सरोजनी नगर ब्लॉग आने वाला है, ये सरोजनी नगर से जो शॉपिंग किया हरिद्वार से वो ब्लॉग आने वाला है, और बॉम्बे से जो सारा चीज़ें आई है एल रोड और लिंकिंग रोड से पूरी वो वाला भी ब्लॉग आने वाला है। तो गाइस कंटिन्यू ब्लॉग्स देखना, बहुत मज़ेदार है, और ये पूरी शॉपिंग जो की है ना हमने हरिद्वार और सरोजनी नगर से की है, ये सब मैं आपको दिखा दूंगी, इसके बाद वाला ब्लॉग ज़रूर देखना।